और यूपी में उपचुनाव के पहले कांग्रेस में खलबली। सूत्रों के मुताबिक यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। विधानसभा की 11 सीटों पर उपचुनाव होना है, कांग्रेस से यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी के कई नेताओं ने हाईकमान को पत्र लिखा और ऐसी दुर्गति के बाद चुनाव न लड़े, संगठन को मजबूत करने की बेहद जरूरत है। राम मंदिर निर्माण को लेकर धर्मनगरी अयोध्या में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर होने वाली बैठक 3 जून को राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बजरंग दल, विहिप और राम मंदिर से जुड़े साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। और ग्रेटर नोएडा में पति ने पत्नी की काला जादू करने के विरोध में जमकर पिटाई की, लात घूंसों और डंडों से बेरहमी से पीटा और सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें वायरल, तो वहीं बेटे ने पिता के खिलाफ थाने में लिखाई एफआईआर। सूरजपुर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। रायबरेली में दबंगों की दबंगई, दबंगों ने सरेराहा युवक को पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कोतवाली के गल्ला मंडी की घटना बताई जा रही है। आगरा में अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई, खेतों में चल रही अवैध शराब की भट्टियां, हजारों लीटर लहन कराया गया नष्ट और खेतों में शराब फेंक कर भागे शराब माफिया, तो वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में सफाई के दौरान नाले में मिला नवजात का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जिला प्रशासन भ्रूण और शिशु हत्या रोकने में नाकाम, छरा थाना के कासगंज बस स्टैंड की घटना। इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में चल रहे प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा का पालन किए जाने और छात्र छात्राओं के आपातकालीन स्थिति में स्वयं को बचाने या अपने साथियों की सहायता करने के लिए एक फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल कराई गई और जिसमें पुलिस टीम ने किसी बड़े बिल्डिंग में आग लग जाने के दौरान किए जाने वाले बचाव कार्य का रिहर्सल भी किया। झांसी में दरोगा के बेटे की गुंडई, दरोगा के बेटे ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में ग्वालियर किया गया रेफर, मामूली विवाद में दोनों के बीच हुआ था झगड़ा। और संभल से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक जीजा ने अपने 10 साल के साले को गोली मार दी और यही नहीं, मासूम को इलाज के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिली, पेट में गोली से गंभीर रूप से घायल मासूम को इलाज के लिए बाइक पर अस्पताल ले जाया गया। मथुरा में एक विदेशी श्रद्धालु पर सिरफिरे युवक ने चाकुओं से हमला बोल दिया, इस हमले में विदेशी श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गया, पुलिस ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।